गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज लेक्चर ऑफ कूलिंग टावर वाटर लॉसेस। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कूलिंग टावर में पानी का लॉस क्यों होता है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा दूसरों से शेयर कीजिए। मेरे इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पर जाके इजिली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कूलिंग टावर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये एक हीट रिमूवल डिवाइस है जो आपका एटमॉस्फेयर में अपनी हीट रिलीज करता है। आप सारे लोग एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप सबको पता है कि कूलिंग टावर कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आपके जितने भी रिएक्शंस होती हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, उनमें कुछ एक्सोथर्मिक होंगी, कुछ एंडोथर्मिक होंगी, अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं। इनका जो भी आपके प्रोसेस का हीट लोड होता है, मींस जो भी आपके प्रोसेस की वजह से हीट जनरेट होती है, तो जहाँ पे भी आपको टेम्परेचर्स रूम टेम्परेचर पे चाहिए वहाँ पे आप कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम की हीट को अपने साथ में खींच के लाएगा कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर का आपका जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। अब आपको उस पानी को ठंडा करना है, उसके लिए जो काम करता है वो काम करता है आपका कूलिंग टावर। अगर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो बहुत ईजी है। इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये आपके सिस्टम से आने वाला पानी है, अंदर ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये नोजल्स लगी हुई हैं, पानी आपका फुहारे के जैसे स्प्रे होता है। टॉप में आप देखिए तो एक फ़ैन लगा हुआ है, इसे हम इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलेंगे, बिकॉज ये फ़ैन क्या करेगा, ये नीचे आपकी फिन्स लगी हुई हैं और यहाँ से ये बेसिकली एयर आपकी सक करेगा एटमॉस्फेयर से। ये जो रीज़न है, इस रीज़न में आपका एयर और वाटर, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के टच में आएंगी और बोथ हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से पानी आपका ठंडा हो जाएगा जो आपके सिस्टम को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और जो एयर है हॉट एयर आपकी ऊपर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। अब ये जो कूलिंग टावर काम करता है, उसका अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी यूनिट ऑपरेशन पे ये काम करता है, आपको एक सिंगल लाइन में बोलना है इवेपोरेशन। सेकेंड, इसमें किस तरीके का हीट ट्रांसफ़र होता है, तो आपको बोलना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे इवेपोरेटिव कूलिंग का, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। कूलिंग टावर में क्या रहता है, वाटर आपका कन्वर्ट होता है इसमें, आपका वाटर वेपर्स में, आपका जो वाटर है वो बेसिकली इवेपोरेट होता है। अब होता क्या है, जब भी आपका वाटर इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे लेटेंट हीट वो रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो पानी को ठंडा करेगा और खुद आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से कूलिंग टावर का जो पानी है वो आपका ठंडा होता है। अब हम बात करते हैं कि वाटर लॉसेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए होगा इवेपोरेशन लॉसेस इन कूलिंग टावर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कूलिंग टावर में हॉट वाटर और आपका एयर दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं और वाटर आपका इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से पानी आपका ठंडा होता है। अब ये जो इवेपोरेशन से लॉसेस हो रहे हैं वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, इवेपोरेशन लॉसेस का फॉर्मूला है आपका 0.0085 इंटू 1.8 इंटू सर्कुलेशन रेट, किस रेट से आपका पानी कूलिंग टावर में सर्कुलेट हो रहा है, इंटू डेल्टा टी, इनलेट हॉट वाटर टेम्परेचर कितना है और जो आउटलेट टेम्परेचर जा रहा है कूलिंग टावर से उसके बीच में डेल्टा कितना है। ये जो डेल्टा की वैल्यू रहती है ये आपका इनलेट और हॉट वाटर और आउटलेट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर ये आपको दिया गया है तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया गया है देन यू कैन टेक दिस वैल्यू एज 5। थ्योरेटिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका 10 लाख किलो कैलोरी हीट को अगर रिजेक्ट करना है तो आपको जो वाटर इवेपोरेट होगा वो 1.8 मीटर क्यूब के आसपास में होगा। ये आप एज अ थंब रूल इस फैक्टर को लगा सकते हैं कि अगर इतनी हीट रिलीज होनी है तो 1.8 मीटर क्यूब आपका वाटर इवेपोरेट होगा। इस फॉर्मूले में जो ऊपर दिया गया है आप इजिली रखेंगे सर्कुलेशन रेट कितना है और डेल्टा टी आपको कितना है, तो आपको इवेपोरेशन लॉसेस पता चल जाएंगे। ये हो गया आपका पहला वाटर लॉस जो आपका कूलिंग टावर में होता है। सेकेंड होता है आपका ब्लोडाउन लॉसेस इन कूलिंग टावर। ब्लोडाउन क्यों किया जाता है ये आपको समझना जरूरी है।
तो याद रखिएगा कि कूलिंग टावर में आपका पानी जो है वो लगातार सर्कुलेट होता रहता है। तो जब आपका पानी लगातार सर्कुलेट होगा और उससे कुछ पानी इवेपोरेट होता रहेगा, तो उसमें जो अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे वो सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। इसके लिए एक टर्म का हम यूज़ करते हैं COC। ये COC होता है आपका बेसिकली साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका रेशियो होता है डिजॉल्व सॉलिड्स इन सर्कुलेटिंग वाटर विद रिस्पेक्ट टू डिजॉल्व सॉलिड्स इन मेकअप वाटर। फ्लो डाउन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये जो आपका पानी कूलिंग टावर के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, ये उसमें TDS जो अंदर सॉइल का कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक अप्रोप्रिएट लेवल तक मेंटेन करके रखता है। जो आपका ब्लो डाउन होता है ये डिपेंड करता है कि आपके इवेपोरेशन लॉसेस कितने जा रहे हैं, बिकॉज आपका पानी जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाएगा। तो इसीलिए ब्लो डाउन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला है आपका ब्लो डाउन इज इक्वल टू इवेपोरेशन लॉसेज अपॉन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन माइनस वन। अगर आप जनरल वैल्यूज़ देखेंगे साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की तो ये वैल्यू आपकी बेसिकली 4 to 8 के बीच में होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में आप इवेपोरेशन लॉसेज आपको पहले ही मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है। COC आप अपने सिस्टम का देख लेंगे कितना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये रेशियो रहता है दो चीज़ों का। तो यहाँ से आप ब्लो डाउन कितना दे रहे हैं वो आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन लॉसेज अपॉन साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन माइनस वन। यहाँ से आपने ब्लो डाउन लॉसेज भी कैलकुलेट कर लिए। अब थर्ड वन, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट लॉसेज क्या होते हैं कूलिंग टावर के। तो याद रखिएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका हॉट वाटर और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो होता क्या है, एयर ऊपर फैन लगा हुआ रहता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में, और एयर ऊपर की तरफ काफ़ी फास्ट वेलोसिटी से मूव करती है। तो जो एयर ऊपर की तरफ जाती है वो अपने साथ में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स को भी कैरी फॉरवर्ड कर लेती है। जो वाटर लॉस होता है, एयर जो ड्रॉपलेट्स अपने साथ में कैरी फॉरवर्ड करती है उसकी वजह से, उसको हम बोलते हैं आपका ड्रिफ्ट लॉसेस। अब जो आपके ड्रिफ्ट लॉसेस होते हैं ये आपके होते हैं 0.3 से 1% के बीच में। अगर आपका जो कूलिंग टावर है वो आपका नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है तो सेकंड आपका 0.1 से 0.2% है फॉर अ टिपिकल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और थर्ड वन ये आपका होता है 0.005 से 0.001%। अगर आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स लगे हुए हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बेसिकली ये बता देंगी कि आपका जो वाटर लॉसेस हैं ड्रिफ्ट की वजह से वो लगभग कितने होने वाले हैं। इस वैल्यू से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रखिए सीधा कि आपका सर्कुलेटिंग वाटर का फ्लोरेट कितना है, उसका 0.3 times कैलकुलेट कर दीजिए, 0.3 से 1% कितना आपका ड्रिफ्ट लॉसेज होंगे अलग अलग सिनेरियोज़ में। याद रखिएगा कि जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं इनमें कोई भी फैन नहीं लगा होता है, वहाँ पे आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपकी एयर सर्कुलेट होती रहती है। तो ये अलग अलग सिनेरियोज़ में आपके 3 केसेस दिए हैं जहाँ पे आप ड्रिफ्ट लॉसेस बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि वाटर लॉसेस कूलिंग टावर में कहाँ कहाँ पे हुए, तो याद रखिएगा कि वाटर लॉसेस बेसिकली 3 जगह पे हो रहे हैं। सबसे पहला मेरा इवेपोरेशन लॉसेस कैलकुलेट करने का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेकंड ब्लो डाउन लॉसेस ये भी आपको बता चुका हूँ, और थर्ड वन इज़ बेसिकली ड्रिफ्ट लॉसेस। तो जब आप इन तीनों का सम करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कूलिंग टावर में टोटल वाटर लॉसेस कितने हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ये आपको इतना समझना क्यों ज़रूरी है। ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पानी को मेकअप भी करना है। अगर आप कूलिंग टावर में एक तरफ आपका पानी उड़ रहा है, दूसरी तरफ आप अगर उस सिस्टम को मेकअप नहीं करोगे तो कुछ देर में आपका कूलिंग टावर जो है वो पूरा ही खाली हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा प्लांट बैठ जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आइदर आपको ये लॉसेस पता है कि ये लॉसेस आपके कितने चल रहे हैं, उस हिसाब से आप उसमें जो मेकअप वाटर है उसका रेट सेट कर दें, या फिर आप उसके अंदर ऑटोमेशन में जा सकते हैं कि आप उसमें एक लेवल ट्रांसमीटर लगा दीजिए, एक पर्टिकुलर लेवल जैसे ही आता है इमीडिएटली आपका कूलिंग वाटर स्टार्ट हो जाए। आप एक लेवल फिक्स कीजिए कि मान लीजिए 60% लेवल मेरे को मेंटेन करना है, तो जैसे ही वो लेवल आता है ऑटो में आपका पानी स्टार्ट हो जाए ताकि किसी भी कंडीशन में आपका कूलिंग टावर खाली नहीं होना चाहिए, बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री में
काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशंस क्रिटिकल होते हैं जहाँ पे अगर यूटिलिटीज़ बंद हो जाए तो बड़े से बड़े इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स तक हो सकते हैं। तो इसीलिए कूलिंग टावर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, आपको उसके बिल्कुल बारीकी से नॉलेज होना जरूरी है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।